भाई और बहनों, हमारे सामने जो चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारे लोग यहां पर महाराष्ट्र में तीन पार्टियां इकट्ठा हुई है, एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। मैं आपको बताने आया हूं भाई और बहनों, उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई, ये तो दो आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ, ये तीन आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसके तीन पहिए हैं, मगर गवर्नर एम्बेसडर का है, गियर बॉक्स फियाट का है और उसका बाकी का इंजन मर्सिडीज का है। ये ऑटो रिक्शा का कहीं पर भी कोई दिशा तय नहीं हो सकता, इसका भविष्य बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव के बाद आपसी मतभेद से ये सभी लोग टूटने वाले हैं भाई और बहनों। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसा एनडीए का कुनबा बैठा है।